सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। केवल रक्त संबंध से ही कोई अपना नहीं होता, प्रेम सहयोग विश्वास निष्ठा सुरक्षा सहानुभूति और सम्मान ये सभी ऐसे भाव हैं जो परायों को भी अपना बनाते हैं। समय और भाग्य दोनों ही परिवर्तनशील हैं, इन पर किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए। जय श्री कृष्ण। मन और शरीर दोनों के लिए स्वास्थ्य का रहस्य है। अतीत पर शोक मत करो, न ही भविष्य की चिंता करो, बल्कि बुद्धिमानी और ईमानदारी से वर्तमान में जियो। राधे राधे। आज का पंचांग 26 अगस्त 2024 दिन सोमवार, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि 27 अगस्त को रात्रि 2:20 तक रहेगी। इसके उपरांत नौमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। कृतिका नामक नक्षत्र दोपहर 3:55 तक रहेगी। इसके उपरांत रोहिणी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 7:45 से 9:19 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:03 से 3:53 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर रहेंगे। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हर साल कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को मनाया जाता है और इस साल जन्माष्टमी का त्योहार 26 अगस्त दिन सोमवार यानी आज मनाया जाएगा। इस बार अष्टमी 26 अगस्त को सुबह 3:39 पर आरंभ होगी और इसका समापन 27 अगस्त को 2:20 पर होगा, यानी 26 अगस्त की रात्रि में अष्टमी तिथि विद्यमान रहेगी। इस बार श्री कृष्ण की पूजा का शुभ मुहूर्त मध्य रात्रि 12:44 तक होगा। इस अवधि में श्री कृष्ण का जन्म होगा और जन्मोत्सव मनाया जाएगा। आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा बनी रहे। कन्या राशि 26 अगस्त 2024 दिन सोमवार। अभी आप आत्मनिर्भर महसूस कर रहे हैं, अकेले रहने के लिए समय निकाले। पारिवारिक चिंताएं जो शायद दादा दादी से जुड़ी हुई है आपके दिमाग में होगी। आराम करें और सपने या अपनी अवचेतना द्वारा प्रदान किए गए ज्ञान को देखें। अपनी देखभाल में बिताया समय हमेशा अच्छा गुजरता है। आप अपने काम को बेहतरीन तरीके से करते हैं और यह आपका बेहतरीन गुण भी है। कई बार उत्साह की जगह निरस्ता भी ले लेती है जिससे जीवन असहनीय हो जाता है। अगर आप अपने सपनों महत्वाकांक्षाओं और आदर्शों को पूरा करने के लिए मेहनत नहीं करते तो आपके जीवन को कोई मतलब नहीं है। आज के दिन कुछ अनिश्चित सा है। आपको संवेदनशील लोगों से बात करते हुए अधिक सावधान रहना होगा। यह समय सामना करने और फैसले लेने के लिए भी उपयुक्त है। आज जिन अवांछित स्थितियों से बचना चाहते थे आपको उनमें खींचा जाएगा। कुछ कठोर निर्णय लेने होंगे। हालांकि आप दबाव में भी सही फैसले ले पाएंगे और कुल मिलाकर सब अच्छा होगा। हाल ही की घटनाओं से आपका मन बेचैन हो सकता है। शारीरिक और मानसिक लाभ के लिए ध्यान व योग फायदेमंद साबित होंगे। हालांकि आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, लेकिन पैसे का लगातार पानी की तरह बहते जाना आपकी योजनाओं में रुकावट पैदा कर सकता है। सबको अपनी महफिल में दावत दें, क्योंकि आपके पास आज अतिरिक्त ऊर्जा है जो आपको किसी पार्टी या कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए प्रेरित करेगी। प्रेम जीवन में आशा की नई किरण आएगी। आप उन लोगों की तरफ वादे का हाथ बढ़ाएंगे जो आपसे मदद की गुहार करेंगे। सेहत के नजरिए से गले लगने के अपने फायदे हैं और आपको यह एहसास आज अपने जीवन साथी से मिल सकता है। आप काफी कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप काम टालते रहेंगे तो खुद पर ही परेशानी पैदा होने लगेगी। नए संपर्क बनेंगे किसी आदर्श व्यक्ति की प्रेरणा से सजगता और भरपूर ऊर्जा मिलेगी। आपसे बातचीत से परिस्थितियां सामान्य हो जाएगी। रुका हुआ कार्य पूरा होगा। संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी। परिवार के साथ वक्त बिताने से नकारात्मकता रहेगी। भविष्य के बारे में गहराई से चर्चा हो सकती है। इस कारण हर व्यक्ति के विचार को समझते हुए निर्णय लेना आसान होगा। पैसों से संबंधित नाराजगी दूर होगी। योजना के अनुसार काम करते रहें।
काम की जगह किसी भी प्रकार का बदलाव ना करें, इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। पार्टनर और परिवार के बीच चल रहे विवाद आपके लिए चिंता का कारण हो सकते हैं। असर सेहत पर नकारात्मक तरीके से होता है, उनसे दूर रहें। आपकी कोई मन की इच्छा पूरी होने से आपके घर कोई भजन कीर्तन आदि का आयोजन हो सकता है। आप अपने काम को दूसरों के भरोसे न छोड़ें, परिवार में लोग आपकी तारीफ करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपने यदि किसी पर भरोसा करके कोई बात मनवाई तो वह आपके उस भरोसे को तोड़ सकता है। आपको लेन देन करते समय सावधान रहना होगा। सावधानियां, जल्दबाजी और आवेग में कोई निर्णय ना लें और अपने शुभ चिंतकों की सलाह पर अमल करें। किसी बनते कार्यों में परेशानियां और रुकावटें आने से कुछ मायूसी रहेगी, शांतिपूर्ण तरीके से निर्णय लें। बात करते हैं लव लाइफ की। दाम्पत्य संबंधों में नजदीकियां बढ़ेगी, प्रेम संबंधों को विवाह हेतु पारिवारिक सहमति मिलने से और अधिक प्रगाढ़ता आएगी। तन्हाई या अकेलेपन से बचने के लिए अपने दादा दादी के साथ समय बिताएं। अपने और अपने साथी के बीच में दूरियां न आने दें। धैर्य या ठगी से बचने के लिए अपने साथी को सलाह अवश्य दें। ध्यान रखें, रिश्ते में मन मुटाव होना स्वाभाविक है, बस समय रहते इन्हें दूर कर लें। दुनिया चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, आपके उत्साह को कम नहीं कर सकती। लव लाइफ में मिठास भरने के लिए अपने प्रेम के साथ साथ जुनून की आग को ठंडी ना होने दी, प्यार को और भी गहरा बनाती है। भविष्य में नए रिश्तों के बनने का भी अनुमान है। आपको अपने लव लाइफ के बारे में कुछ कठोर फैसले लेने पड़ सकते हैं। हालांकि आप दिल से ऐसा नहीं करना चाहते, लेकिन तब भी यह समय ऐसा करने के लिए सबसे अच्छा है। इस बात का फैसला केवल आपके हाथ में है कि आप पिछली बातों से अपनी संकल्प शक्ति को मजबूत होने देंगे या उसके कारण अपने आत्मविश्वास को कमजोर पड़ने देंगे। आप जिस तरीके से अपने पिछले समय को समझेंगे, उससे काफी हद तक आपका फैसला प्रभावित होगा। बात करते हैं करियर की। एक दोस्त या एक गाइडर के माध्यम से छात्रों को एक नया करियर विकल्प मिल सकता है और आप अपने करियर के रूप में इसे चुन सकते हैं। आपको एक गहन अनुसंधान की सलाह दी जाती है। आज पेशवरों में नई ऊर्जा का संचार हो सकता है। यह किसी भी परियोजना को शुरू करने के लिए एक अच्छा दिन है। सहकर्मी आपके मददगार साबित होंगे और आप एक टीम के नेता की भूमिका अच्छी तरह से निभाएंगे। आज दीर्घकालिक निवेश ना करें और धोखे का शिकार हो सकते हैं। व्यवसाय या नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो यह समय उचित है। अपने विकास के लिए नए कार्य और नए अवसरों को खोजें। दान करने या नॉन प्रॉफिट संगठनों के साथ काम करने में भी आपकी रुचि हो सकती है। अगर आप अपने सपनों का पीछा नहीं करते तो इन पलों का कोई मतलब नहीं है। आज आपके जीवन की उदासीनता उत्साह में बदलने वाली है। आपके प्रयास आपको इस परिवर्तन की भावना से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका है। जीवन में हर एक मुश्किल कोई न कोई संदेश या फायदा लेकर आती है। बात करते हैं सेहत की। आज आप जरूर किसी अभ्यास कक्षा या नियमित व्यायाम में भाग लेंगे। अगर आप पिछले कुछ दिनों से अपने स्टेमिना में सुधार करने या वजन कम करने के बारे में सोच रही हैं तो शुरुआत के लिए आज से बेहतर दिन नहीं हो सकता। आपको अपने स्वास्थ्य संबंधित संकल्प को बनाए रखने के लिए प्रेरणा भी मिलेगी। आप पहले से भी अधिक सख्त कार्यक्रम अपने लिए चुन सकते हैं। आज का उपाय, आज आप भगवान कृष्ण जी की विधिवत पूजा करें और गुड़ का भोग लगाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।